हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्ट। तो गाइस, आपको पता ही है हम गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, GA4 की बात कर रहे हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करा अभी तक, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं आप, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। हम पूरी गूगल एनालिटिक्स 4 को एक एक करके देख रहे हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें और अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे इम्प्रूव करना है वो देख सकें। तो यहाँ पे हम गाइस आ जाते हैं लाइफ साइकिल वाले पार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 ने बेसिकली क्या करा है, कस्टमर जैसे ही आता है उसको पूरे 3-4 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, ये चार जो बेसिकली स्टेजेस होती हैं एक कस्टमर की या एक यूज़र की हमारी वेबसाइट पे, उन चारों पार्ट्स में गूगल ने इसको डिवाइड कर दिया है और ईजिली हमें ये देखने के लिए कर दिया है कि हम हर एक पार्ट को ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकें। तो यहाँ पे चलते हैं हम गाइस एक्विजिशन ओवरव्यू पे। इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाएगी, यूज़र्स कितने आए हैं, न्यू यूज़र्स कितने हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेट जो है सेलेक्ट करके लास्ट 90 डेज, ताकि डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो हमारे पास। माइंड यू, ये गूगल मर्चेंडाइज का अकाउंट है, डेमो अकाउंट है जो गूगल खुद सप्लाई करता है हमें ताकि हम सीख सकें। रियल टाइम ओवरव्यू यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट 30 मिनट का, जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। न्यू यूज़र्स दिखा रहा है यहाँ पे, न्यू यूज़र्स में लिखा है इसमें बाय फर्स्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट चैनल, तो यहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं बाय फर्स्ट चैनल ग्रुप हो रखा है अभी। और इसका मैं मीनिंग आपको एक बार समझा दूँ, फर्स्ट चैनल ग्रुप का यानी कि जिस चैनल से हमारा यूज़र फर्स्ट अक्वायर हुआ था, यानी कि सपोजली कोई मेरी वेबसाइट विजिट करता है और वो एक दिन में एक विजिट करता है, अगले दिन भी विजिट करता है, तो जब वो फर्स्ट विजिट उसने करी थी तब वो किस मीडियम से करी थी, किस चैनल के थ्रू करी थी, किस सोर्स पर करी थी, वो चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च, डिस्प्ले, रेफरल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें और डिटेल में जो देखने का मिल रहा है व्यू यूज़र एक्विजिशन, तो यहाँ पे हमें वही टैब डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो हम यहीं पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिखेगी। सबसे पहले हमें ये एक ग्राफ मिल जाता है जिसमें हम डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, पेड सर्च, डिस्प्ले और रेफरल, जो भी हमारे टॉप 5 सोर्सेज हैं जहाँ से यूज़र हम अक्वायर कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशनड है। और आप देख सकते हैं अब मैंने 90 डेज का कर रखा है डेटा, और यहाँ पे मैं एक बार अगर एरो करूँ पॉइंट, तो दिसंबर 7th को कुछ हुआ है जब हमारी डायरेक्ट सर्चेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्ट सर्चेस हमारी 1000 से कम रहते हैं यूजुअली, लेकिन इस दिन को वो 18,000 पहुँच गए सीधा। तो यहाँ पे हमने ये नोटिस करा गाइस, गूगल ने कुछ ना कुछ ज़रूर करा होगा, या फिर ये वेबसाइट जो है न्यूज़ में रही होगी किस तरह, क्योंकि डायरेक्ट सर्चेस की बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे ऑर्गेनिक, डिस्प्ले, पेड सर्च, इनमें इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये लगभग बराबर सी ही रही हैं, लेकिन डायरेक्ट सर्चेस बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। तो गाइस ये ग्राफ तो हमने देख लिया, ये हमें जो है डेट वाइज यूज़र्स बता रहा है। राइट साइड वाले ग्राफ में हमें टोटल यूज़र्स दिख रहे हैं 90 डेज के, देखिए क्लब करके देखेंगे तो डायरेक्ट टोटल यूज़र्स 96,000 आए हैं इस डेट से इस डेट के बीच में, ऑर्गेनिक के इतने रहे हैं, पेड के इतने रहे, डिस्प्ले के इतने रहे, रेफरल के इतने रहे हैं। आ जाते हैं गाइस हम नीचे, अब यहाँ पे फर्स्ट यूज़र वही डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप से हो रखा है, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, पेड, डिस्प्ले, रेफरल, क्रॉस नेटवर्क। यहाँ पे हम नीचे चल रहे जा रहे हैं तो हमें और भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यानी कि और भी सोर्सेज जहाँ से हमारा यूज़र जो है फर्स्ट टाइम आ रहा है। एक एक करके देखेंगे गाइस, यहाँ पे हमें ऑब्वियसली ये फिर से क्लिक करने का मौका मिल रहा है, फर्स्ट यूज़र सोर्स को अगर हम कर देते हैं, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे प्लस साइन हमें मिल रहा है, प्लस में हम और ज़्यादा फिल्टर जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार ज्योग्राफी का फिल्टर जैसे देखूँ तो कंट्री वाइज लगा सकता हूँ। तो इतने देखने हमने फर्स्ट यूज़र सोर्स जो है वो चेंज हो गया है, गूगल से आ रहे हैं, बाइडू से आ रहे हैं, यूट्यूब से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक एक करके गाइस अब आपको खुद से देखना होगा कि कौन सा सोर्स या कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैटेगरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अब वो मुझे देखनी होगी और फिर उसी का डेटा जो है वो मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम ऑर्गेनिक, CPC, रेफरल, ईमेल, यानी कि जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स रन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, उनका कितना फ़ायदा हो रहा है, उनसे कितने यूज़र्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप कर देता हूँ इसको ईजी, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये सारे वर्ड्स हमने सुन रखे हैं। यहाँ पे मैं एक बार कंट्री फिर से ऐड कर देता हूँ। तो अब गाइस आप जो देख रहे हैं ये जो डेटा है फर्स्ट चैनल ग्रुप से और कंट्री वाइज दोनों से सॉर्टेड है ये डेटा। अब देख सकते हैं डायरेक्ट में यूनाइटेड स्टेट से इतने यूज़र्स हमारे पास आए, ऑर्गेनिक से यूनाइटेड स्टेट से इतने यूज़र्स हमारे पास आए, और ऑर्गेनिक सर्च से इंडिया से इतने यूज़र्स हमारे पास आए। तो गाइस अब आप जो ये डेटा देख रहे हैं ये कंट्री वाइज भी सॉर्टेड है और चैनल वाइज भी सॉर्टेड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एडिटिंग ऑप्शन हमें मिल जाते हैं।
रिपोर्ट्स एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके भी मिल जाते हैं। आपको खुद से ये देखना होगा कि आपको कौन सा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे आप काम कर रहे थे पिछले कुछ महीनों में, तो किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन आपको देखनी है, स्टडी करनी है। एंगेज सेशन की बारी आ जाती है। एंगेज सेशन होते हैं गाइस, अगर कोई यूज़र आपके यहाँ 10 सेकंड से ज़्यादा रुकता है या फिर कोई कन्वर्जन इवेंट करता है, कोई पेज व्यू करता है, तो फिर उसको एक एंगेज सेशन किया जाता है। एंगेजमेंट रेट आ गई है, एंगेज सेशंस पर यूज़र आ गए हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम आ गया है, यानी कि लेंथ कितने टाइम के लिए वो जना हमारे पास एवरेज ऑन एन एवरेज रहता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब आपको ये समझना है कि हमारे पास यूज़र आ रहा है तो वो एंगेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने परसेंट ऑफ द टाइम वो एंगेज करता है, कितनी देर के लिए वो रुकता है, और अगर वो ज़्यादा देर के लिए रुक रहा है तो क्या उसका एंगेजमेंट रेट अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा और बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशनड है। आप टाइम देख सकते हैं, 2 मिनट्स 51 सेकंड्स दिखा रहा है। आगे चलते हैं गाइस, टेबल के आगे हमें इवेंट काउंट मिल रहा है और यहाँ पे ओपन करके खुद का जो इवेंट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है उसको हम देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक देख लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली गूगल ने क्लिक क्या डिफाइन कर रखा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रैंडम क्लिक को क्लिक असाइन कर रखा होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 52,000 क्लिक्स रिकॉर्ड करी हैं गूगल एनालिटिक्स 4 ने, और यहाँ से डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स वाली जो न्यू यूजर्स की क्लिक हैं वो 25,000 कुछ हैं। और नीचे चल के हम देखते हैं गाइस, तो जो चाइना से ऑर्गेनिक सर्च हो रही है उसमें सिर्फ 34 क्लिक्स हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ़ यूज़र्स आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ से खुद से अगर एक टेबल बनानी है तो आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं नंबर ऑफ़ यूज़र्स वर्सेस द क्लिक्स दे हैव क्लिक्ड। तो ये आपको डेटा भी खुद से मिल जाएगा। या फिर आपको यहां से कन्वर्जन देखना है तो आप कन्वर्जन भी डिफाइन करके देख सकते हैं। सपोज़ मैं ऐड टू कार्ट का कर लेता हूं, तो ऐड टू कार्ट हमने देखा गाइस कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। यहां पे हम देख सकते हैं 259 लोगों ने ऐड टू कार्ट जो है कन्वर्जन है हमारा करा है। यहाँ पे 71 लोगों ने करा है। यहाँ पे डिस्प्ले से हमने अगर कुछ भी ट्रैफिक आया था तो ज़ीरो हुआ है ऐड टू कार्ट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस, कनाडा से जो डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है उस पर काफ़ी अच्छा ऐड टू कार्ट मिल रहा है हमें, और फिर यूनाइटेड से भी जो डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है उस पर काफ़ी अच्छा हमें ऐड टू कार्ट का रिस्पांस मिल रहा है। तो यानी कि हमें अपनी डायरेक्ट सर्चेस को इम्प्रूव करना है, उस पर हमें बेस्ट ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन रेट मिल रहा है, ये हमें यहाँ से इस डेटा से पता चल रहा है। और डिस्प्ले एड से हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो डिस्प्ले एड्स हैं वो या तो सही जगह रन नहीं हो रहे हैं या फिर उसका टारगेटिंग ऑडियंस गलत हो रही है, क्योंकि वो कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। टेबल को और एक्सपैंड करना गाइस हम यहाँ से कर सकते हैं। रोज पर पेज एक बार मैं 100 करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देखते जाएंगे तो नीचे जो है 100 तक पहुंच गया है डेटा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारी कंट्रीज और ऐड होती जा रही हैं और उनको सबका डेटा जो है यहां पे क्लासिफाई किया जा रहा है। कन्वर्जन के बाद हमें लास्ट जो कॉलम की हेडिंग मिल रही है वो गाइस है टोटल रेवेन्यू की। अब ऑब्वियसली हमें कन्वर्जन वैल्यू डिफाइन कर रखी होगी तो रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ हमें यहाँ से नहीं मिलता है, रेवेन्यू हमें मिलता है यहाँ से। आप देख सकते हैं जो भी परचेजेस होती हैं, जो भी सब्सक्रिप्शंस होते हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग की रेवेन्यू होता है, वो सारी चीज़ें रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू बेसिकली ऐड हो जाती है। तो गाइज ये होगा यूज़र एक्विजिशन की बात। अब चलेंगे गाइज हम ट्रैफिक एक्विजिशन की। तो गाइज देखिए यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें खोल रही हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने को, क्योंकि ये हल्की सी टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है। यूज़र एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन में जो है डिफरेंस, यहाँ पे यूज़र एक्विजिशन क्लियरली दिखाए फर्स्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम जो यूज़र आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस चैनल से आ रहा है। और यहाँ पे ट्रैफिक एक्विजिशन यानी कि जो सेशन कर रहा है हमारा यूज़र, वो कैसे आ रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो डायरेक्टली आ रहा है, वो ऑर्गेनिकली आ रहा है या कैसे आ रहा है। तो डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ एक बार कि डेटा एग्जैक्टली सेम नहीं है। लास्ट 90 डेज मैंने सेलेक्ट कर रखा है, डायरेक्ट ट्रैफिक हम देख सकते हैं 101,000 कुछ है। और यहाँ पे एक और बार आता हूँ मैं, डायरेक्ट ट्रैफिक मैंने सेलेक्ट कर रखा है, सेम टाइमिंग है 90 डेज की, लेकिन डायरेक्ट ट्रैफिक कम है। यानी कि न्यू यूज़र्स हमारे 96,000 कुछ आए और टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमारे लगभग 101,000 थे, यानी कि कुछ ना कुछ रिपीट यूज़र्स हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या कन्वर्जन करी है, उन्होंने क्या क्या इवेंट्स करे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर से मैं नहीं चलूँगा क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, पूरा टेबल का फॉर्मेट सेम है। आप यहाँ से देख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से स्लाइड करके आप टोटल रेवेन्यू तक पहुँच सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके आप कन्वर्जन एंड इवेंट्स वगैरह सारी जो है चीज़ें देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
वही प्लस करके आप अलग अलग चीज़ें फिल्टर आउट कर सकते हैं ताकि आपको डेटा स्टडी करने में और आसानी हो जाए। और मेन चीज़ है गाइस, यहाँ पे जो भी डेटा है वो सेशन के फॉर्म में हो जाता है, सेशन डिफॉल्ट ग्रुपिंग। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो सेशन की डेफिनेशन खोल ली है गूगल एनालिटिक्स के ऑफिशियल पेज पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेशन कब स्टार्ट होता है, जब कोई भी जना आपका ऐप खोलता है या आपका पेज विजिट करता है और पुराना कोई एक्टिव सेशन नहीं चल रहा है। तो हमने जिसमें दो चीज़ें देखी गई, सेशन आपका स्टार्ट तब होएगा जब कोई आपका ऐप खोलेगा या आपका कोई पेज विजिट करेगा, तब आपका फर्स्ट सेशन जो है वो इसीलिए स्टार्ट हो जाता है, उसको काउंट करना। अब सेशन एंड कब होता है गाइस, आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ यूज़र इनएक्टिविटी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई भी यूज़र 30 मिनट तक कुछ भी नहीं करता है तो अब आपका सेशन जो है एंड हो जाता है। और इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है हाउ लॉन्ग अ सेशन कैन लास्ट, अगर एक बार यूज़र आ गया वो कितने घंटों बिता रहा है तो एक सेशन माना जाता है। यहाँ पे गूगल ने और डिटेल कर दिया है इसको, गूगल एनालिटिक्स 4 में आपको ऑप्शन दे दिया एडजस्ट सेशन टाइम आउट। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हो जाता है, इसकी कोई भी हमें नीड नहीं है। गूगल ने सोच समझ के सेशन को जो है टाइमिंग डिसाइड कर रखी है, हम इसको सीधा साधा स्किप कर सकते हैं। अब गाइस हम अपने एक्विजिशन के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं जो कि है यूज़र्स बाय लैंडिंग पेज। बहुत ही सिंपल है, जैसे ही कह रहा है जो भी लैंडिंग पेज पे यूज़र्स आ रहे हैं उनको वहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है। तो हमने ऑब्वियसली कुछ लैंडिंग पेजेस बना रखे होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट सेट फर्स्ट है, सेकंड ये होम पेज हो गया हमारा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे लैंडिंग पेजेस हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जब भी यूज़र आ रहा है तो वो किधर आ रहा है, किधर लैंड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे अपने पॉपुलर पेजेस के बारे में पता चल सकता है, लैंडिंग पेजेस जो हमने बनाए हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कितनी एंगेजमेंट ला रहे हैं, कितना एवरेज यूज़र सेशन टाइम लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता लग सकती हैं। जैसे होम पेज पे हमारा कोई यूज़र आ रहा है तो ऑन एन एवरेज वो इतना समय स्पेंड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। हम इसको अब कंपेयर करेंगे हमारे दूसरे लैंडिंग पेज से, जैसे कि इस लैंडिंग पेज पे या फिर इस लैंडिंग पेज पे कोई अगर पर्सन आ रहा है, कोई यूज़र आ रहा है, तो वो ज़्यादा लैंडिंग पेज पे टाइम स्पेंड कर रहा है कंपेयर टू आर होम पेज। तो ये लैंडिंग पेज काफ़ी अच्छा है। अब हमें ये देखना है कि वो कन्वर्जन इधर से ला रहा है या नहीं ला रहा है, तो हम यहाँ से और स्लाइड करके देखते हैं कि कन्वर्जन भी यहाँ से अच्छी आ रही है। तो हमें अब ये कोशिश करना होगा इस लैंडिंग पेज के एलिमेंट्स को कॉपी करके अदर लैंडिंग पेजेस में हम डालें, ताकि हम ये भी देख सकें कि इस लैंडिंग पेज पे क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, और इस तरह से हम अपने सारे लैंडिंग पेजेस को जो है धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि उनकी कन्वर्जन्स बढ़े, उनके इवेंट काउंट बढ़े। तो गाइस ये थी गूगल एनालिटिक्स 4 के लाइफ साइकिल सेशन के एक्विजिशन की बातें। हमने इसमें सारी जो है टैब्स देखी एक्विजिशन की और समझा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज करें हम। अगली वीडियो में गाइस हम एंगेजमेंट की बात करेंगे और समझेंगे कि एंगेजमेंट को देखने से हमें क्या डिटेल्स पता चलती हैं, कैसे स्टडी हम इसकी कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर वॉइस पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें इसी चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। गूगल एनालिटिक्स 4 की प्लेलिस्ट आती रहेगी जब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए। कोई भी डाउट है गाइस तो आप कमेंट्स करके मेरे को बताइए, ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।